नमस्कार, मैं अमन शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं आज मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के दीघा यानी रामनगर विधानसभा सीट पर। मैं यहां पर जा रहा हूं, लोगों से बातचीत कर रहा हूं ताकि ये पता लगा पाऊं कि अब की बार बंगाल किसका और यहां पर आखिर कौन जीतने वाला है, क्योंकि आज यहां पर मतदान हो रहे हैं। यहाँ की जनता सुबह से ही निकल चुकी है, लगातार मतदान हो रहे हैं और अभी तक 2 बज गए हैं, लगभग 35 से 40% मतदान हो चुका है। मतदान भी अच्छा हो रहा है, लोग निकले हैं और हमारे साथ यहाँ की युवा भी हैं। दीघा में मौजूद हूँ, कौन सा गाँव है दादा? अलंकारपुर गांव में मैं यहाँ आया हुआ हूँ और अब इनसे प्रतिक्रिया जानूंगा कि आज ये लोग वोट देने गए थे, युवा थे, क्या कुछ था इनके मन में, क्या सोचकर आपकी बार वोट किए। दादा क्या नाम है? प्रदीप दास। प्रदीप दास जी, आपकी मतलब कौन कब पहली बार वोट दिए थे कि इससे पहले भी दे चुके? नहीं, उससे पहले दे चुके। इससे पहले आप वोट दे चुके हैं, तो अब की बार जब आप वोट देने गए थे तो क्या दिमाग में था, क्योंकि लगातार दीदी भी तमाम बयान दे रही हैं, बीजेपी भी लगातार सियासी मैदान में उतरी हुई है, एक बड़े बड़े वादे कर रही है, तो किसकी तरफ गए? हम तो दीदी के तरफ ही जाएंगे। दीदी के तरफ? बिल्कुल। क्या है ऐसा खास दीदी में कि जो आपको बीजेपी में नहीं दिख रहा? देखिए, हम लोग पश्चिम बंगाल पे रहते हैं जी, तो हम लोग को उन्नयन चाहिए। उन्नयन चाहिए बस। हम लोग बाजू में, अब इधर से 2 किलोमीटर दूरी में हम लोग का दीघा है। दीघा है। ये 10 साल पहले कुछ ही नहीं था दीघा पे, सिर्फ बोल्डर का अलावा, पत्थर का अलावा कुछ भी नहीं था। फिर दीदी जब 2011 में चुनाव में जीत के आए, उसी टाइम में दीदी के आने के बाद इधर डेवलप हुआ है। हम लोग रोजी रोटी इधर ही से कमा के खाते हैं, तो हम लोग चाहिए इधर से कुछ करने के लिए। काम क्या करते हैं आप? हम लोग ऑटो चलाते हैं दीघा में जी। तो पहले का जैसा इधर अभी बिल्कुल भी अलग है। अलग बदल गया। बदल गया। अब दीदी काम की। दादा क्या नाम है आपका? समर कुमार दास। समर कुमार दास जी, ये बताइए आप लोग नहा रहे हैं, देखिए वोट पहले दिखाइए, वोट दे के आए कि नहीं दिखे है? वोट दे के आ गए आप सब? सब देखिए, सब लोग वोट दे आए हैं। यही बात है कि वोट प्रतिशत बढ़ रहा है लगातार, हर पार्टी के बड़े बड़े नेता भी कह रहे हैं कि घरों से निकलिए, वोट दीजिए और पहले वोट, उसके बाद में फिर खाना पीना जलपान करिए। तो बताइए क्या लग रहा है आपकी बार और क्या सोच कर वोट देने के? अगली बार ऐसे ही जो दीदी का सरकार चल रहा है वो सही चल रहा है, हम चाहते हैं कि दीदी और भी 5 साल 10 साल रहे। ये बताइए, बीजेपी ने भी बड़े वादे किए, उन्होंने कहा कि सुनार बांग्ला बनाकर रहेंगे अगर आप हमें जिताएंगे, तो क्या हुआ आप लोग कि बीजेपी पर विश्वास नहीं जता पा रहे हैं? सर देखिए, पहले हम लोग तो पश्चिम बंगाल इंडिया का अंदर ही है जी, बाहर का नहीं है जी। तो पहले आप इंडिया को सुनार बांग्ला बनाए, फिर पश्चिम बांग्ला को सुनार बांग्ला बनाएंगे, ठीक है? मतलब मोदी सरकार भारत के लिए बेहतर काम नहीं कर रही? नहीं। अच्छा दादा, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम बोलते हैं कि ऐसे में ही हमारा सुनार बांग्ला है ऑलरेडी। अच्छा। नया करके कुछ बनाने के लिए जरूरत नहीं है, जैसा चल रहा है सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम एक और बात, यहाँ पर मैं आया हूँ कल से ही यहाँ लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है, ऐसा लग रहा है कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि खास तौर पर और बाकी जगहों पर देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर जिस दिन चुनाव होता है उसी दिन दुकानें बंद होती हैं, सब कुछ बंद होता है ताकि आदमी खाली हो वोट देने जाए, लेकिन यहाँ पर 2 दिन पहले से ही सब कुछ बंद कर दिया गया। कहा ऐसा जाता है कि यहाँ पर जब चुनाव होता है तो हिंसा हो जाती है, बीजेपी आरोप लगाती है कि TMC कार्यकर्ता वोटरों को रोकने के लिए हिंसा कर देते हैं, क्या करें? नहीं नहीं, ये बिल्कुल झूठ बात है। हमारे यहाँ पे पूरा भाई भाई जैसा सुलभ व्यवहार करते हैं, हम यहाँ पे कोई दंगा प्रसाद कुछ भी यहाँ पे नहीं। पश्चिम बंगला में हम लोग हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं, तो इधर कुछ हम लोग का पहले कभी हुआ नहीं, होगा भी नहीं, ठीक है? काथी में शुभेंदु अधिकारी का नाम था इस क्षेत्र में, अधिकारी परिवार का, और जो आपने कहा दीघा में विकास हुआ है, वहाँ पर मैं अभी कल गया हुआ था दीघा में, वहाँ पर ममता बनर्जी का बोर्ड में नाम लिखा हुआ है, उसके नीचे शिशिर अधिकारी का भी नाम लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं अगर यहाँ का विकास हुआ तो अधिकारी परिवार का भी बड़ा हाथ है यहाँ के विकास में, लेकिन अब अधिकारी परिवार बीजेपी के साथ हो गया, दोनों भाई और उनके पिताजी अब बीजेपी के साथ हैं, और आज दक्षिण काथी में शुभेंदु अधिकारी के भाई कार पर हमला हुआ है। उनका आरोप है कि TMC के 5 से 6 कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी पर तोड़फोड़ मचाई और हमला किया। देखिए, कोंटाई का बात अलग है, ठीक है? तो कोंटाई में उसको आदमी लोग तो बंगाल में ही, हाँ ठीक है, उधर का आदमी लोग पसंद नहीं करता है, कुछ और हो सकता है, तो इसलिए उसका गाड़ी में कुछ हुआ होगा। सर ये मानेंगे आप कि बंगाल में चुनाव जब होता है तो हिंसा हो जाती है? नहीं, वैसे कुछ नहीं होता, नहीं होता। तो फिर हमला, गाड़ी में हमला हो जाना, ये सब फिर कभी खबर आती है कि आज TMC का कार्यकर्ता मारा गया, कभी खबर आती है BJP का कार्यकर्ता मारा गया, तो जब हम प्रेम भाव से यहाँ के लोग रह रहे हैं तो आखिर कैसे हो जाता है सब? देखिए, हम लोग पश्चिम बंगला पहले शांति था, बहुत शांति था,
अब बीजेपी जो पार्टी आया है जुमला पार्टी, वो आके इधर पश्चिम बांग्ला को शेष करने के लिए चाह रहा है बीजेपी की वजह से। दादा आपका क्या नाम हुआ है? शांतनु दास है। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, कौन सा काम करते हैं? अपना दुकान में जॉब करता हूँ। दुकान में। ये बताइए, वोट तो दे आए आप, क्या सोच कर दिए आपकी बार आप वोट? अच्छे से सरकार चलाए, गरीब को कुछ देख देख अपना काम रोजगारी दे, इसके लिए दे के आए हम। तो ये बताइए, रोजगार अभी तक नहीं मिला है? मिला है, जहाँ पे 100% जरूरी था वहाँ पे 70% मिला है। मतलब रोजगार की कमी है, रोजगार देना चाहिए सरकार। आदमी सब घूम रहा है, पैसा का अपना पढ़ के अभी बेकार है, रोजगारी नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे क्या? तो आप अबकी बार जब वोट देने गए तो आपके दिमाग में ये था कि रोजगार आना चाहिए, विकास तो ठीक है, रोजगार भी जरूरी है। रोजगार तो जरूरी है, नहीं तो रोजगार नहीं करेगा तो आदमी खाएगा किधर से? रोजगार करेगा उसके बाद दो पैसा आएगा तो घर 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 संसार चलाएगा, तो खुद का पेट चलेगा तो दूसरे का भी चलेगा ना। ये बताइए, आपकी जो मौजूदा सरकार थी उन्होंने गरीबों के लिए काम किया था? किया था कुछ, 100% में 70-80% किया है कुछ भी। तो देखिए, अगर एक आदमी गलत काम करेगा तो पूरा पार्टी को तो बदनाम होना पड़ेगा ना। ये और एक और बात आपसे, एक और सवाल कि अब की बार जब आप वोट देने गए तो परिवर्तन का सोच कर गए थे कि जो चल रहा है उसी पर? परिवर्तन तो होना चाहिए कि देखिए, अगर जैसे सीपीएम था 35 साल था, तो 35 साल में वो लोग कुछ परिवर्तन किया। उसके बाद टीएमसी का सरकार है, वो 10 साल आया है, उसे दूसरे को भी 5 साल देना चाहिए ना, जो वो क्या परिवर्तन करता है उसको भी देखना चाहिए। 10 साल में ये परिवर्तन क्या है, उसे 5 साल में दूसरा और कोई आएगा तो वो भी थोड़ा देखेगा कितना परिवर्तन करता है, नहीं तो उसके बाद जो आएगा वो रह जाएगा। आपका मतलब है कि 10 साल टीएमसी ने काम किया, ये नहीं कहा जा सकता काम नहीं किया, लेकिन बदलाव के लिए दूसरी सरकार भी लानी चाहिए, ताकि जो वो दावे कर रही है बड़ी बड़ी पार्टी कि हम आएंगे तो सुनार बांग्ला बनाएंगे, रोजगार देंगे, बेटियां सुरक्षित होंगे, गरीबों के लिए कुछ करेंगे, तो उनको मौका देना चाहिए। मौका तो देना चाहिए, 10 साल है उसको भी मौका देना, देके देखो वो भी क्या कर रहा है, उसको भी थोड़ा मौका चाहिए इसके लिए। ये 10 साल उसको ज्यादा नहीं, 5 साल देके देखिए, 5 साल ज्यादा दे, उसके बाद उसका अगर विकास होगा तो रखना, नहीं तो दूसरे पार्टी को लेके आना। दादा आप भी आइए, आपसे भी बात करना चाहता हूँ मैं। नहीं आएंगे? तो देखिए, कुछ लोग हैं जो बातचीत कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं। हमने यहाँ पर लोगों से बात की, कुछ लोगों का कहना है कि ममता दीदी की सरकार ने विकास किया है, काम किया है, और हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार कायम रहे, बनी रहे, ममता दीदी और भी पश्चिम बंगाल पर राज करें, सत्ता चलाएं, इसलिए वो ममता दीदी के साथ गए। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर कुछ ऐसे भी युवा हैं जो कह रहे हैं कि हाँ, रोजगार भी दिया जाए, गरीबियों के लिए और काम किया जाए, और बंगाल में परिवर्तन आए, कोई और सरकार आए, ताकि बंगाल का और विकास हो। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अमन शुक्ला, दीघा, रामनगर विधानसभा सीट।